नूरपुर के नगर परिषद हॉल में नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने नगर परिषद के पार्षदों के साथ एक बैठक की। राकेश पठानिया ने कहा कि आज की बैठक इस बात पर थी कि जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसे पूरा किया जाए। पहले भी हाईकोर्ट ने जो दुकानों के गिराने के आदेश दिए थे वह पूरे किए गए हैं और जो भी आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इस आदेश में ना तो विधायक, ना ही एसडीएम और ना ही नगर परिषद का कोई रोल है। नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि नूरपुर में शहीदी स्मारक बनाने के लिए उन्होंने नूरपुर के एसडीएम आवेद हुसैन सादिक को जगह देखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पहले से ही ये काम कर रखा था जिसकी प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ सैनिक वेलफेयर को भेजी जा रही है और मंत्री से भी औपचारिक रूप से हामी भरवा ली गई है। नहीं है, जैसे जो जो हाईकोर्ट का इसमें एक लाइन का प्रोग्राम था और एक मिनट लगा मीटिंग खत्म करने, बाकी तो गप्पे लगते रहेंगे। एक मिनट में उसको जो हाईकोर्ट ने एक लाइन रेजोल्यूशन में कि जो हाईकोर्ट ने कहा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पहले भी जो हाईकोर्ट ने कहा था वो इम्प्लीमेंट हुआ था, अब भी जो होने जा रहा हाईकोर्ट ने कहा वो इम्प्लीमेंट। इसमें ना एसडीएम साहब का, ना विधायक का, ना कमेटी का, किसी का कोई रोल नहीं। जो हाईकोर्ट से आया है उसको इन टोटो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके हाईकोर्ट से ऊपर ना हेम है, ना कमेटी है, ना यू है, ना एसडीएम है, ना विधायक है, ना सरकार है। तो इसलिए तय हुआ है कि इन प्रिंसिपल जो है उसको इम्प्लीमेंट करके कंप्लाइंस जो है वो तीन दिन में वापस भेजी की। और मैंने एसडीएम साहब को इस मामले में आदेश भी दे दी है कि आप हमें कुछ जगह आइडेंटिफाई करके दें। रेजिडेंट साहब ने हमसे, हमारे कहने से पहले काम कर रखा था और उसके लिए अब हम उसके प्रपोजल जो है मिनिस्ट्री ऑफ सैनिक वेलफेयर को मूव कर रहे हैं और मैं एक औपचारिक रूप से मंत्री जी से इसकी यस करा कर लाया हूं।